व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था व्हाट इज बीएचपी और थोड़ा बहुत इंडिकेशन दे दिया था कि आखिर बीएचपी और एवरेज में क्या रिलेशनशिप है। ये वीडियो पार्ट टू है और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ बीएचपी अफेक्ट्स ऑन कार एवरेज। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी और आपको नहीं पता है कि आखिर बीएचपी क्या होता है तो उस वीडियो को देख लीजिए, मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं पार्थ सोनी और आप देख रहे हैं टेक मैक सॉल्यूशन। हाउ बीएचपी अफेक्ट्स ऑन कार एवरेज, इसको समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। एक गांव में दो घनिष्ठ मित्र हैं, एक का नाम है रामू और दूसरे का नाम है श्यामू। दोनों मैराथन में दौड़ने के लिए गए। अब कंडीशन ये है कि श्यामू ज्यादा तेज दौड़ता है रामू के कंपैरिजन में, थोड़ा बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं। तो जब दोनों मैराथन में दौड़ने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली श्यामू जीत जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन में जब वो दौड़ने गए तो दोनों को थोड़े बहुत एक्स्ट्रा वेट दे दिए गए उठाने के लिए और श्यामू को दे दिया गया इस कंडीशन में 50 किलोग्राम का वेट। तो अब श्यामू को एक्स्ट्रा 50 किलोग्राम वेट लेके दौड़ना पड़ेगा और रामू को दे दिया गया 20 किलोग्राम का वेट। मतलब अब की रामू को 20 किलोग्राम का एक्स्ट्रा वेट लेके दौड़ना पड़ेगा। अब ये तो हम जानते हैं कि श्यामू ज्यादा तेज दौड़ता है रामू से, बट वेट की हम बात करें तो श्यामू को ज्यादा वेट मिला यानी कि 50 किलोग्राम। तो अब इस कंडीशन में मैराथन में रामू ज्यादा तेज दौड़ेगा श्यामू के कंपैरिजन में। ठीक वैसे ही दो अलग अलग कंपनीज की दो अलग अलग कारें, सेम सेगमेंट की, इंजन अलग अलग, सपोज ए और बी और सेम सीसी की। अब कंडीशन ये है कि जो बी वाला इंजन है उसकी बीएचपी यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर ज्यादा है ए के मुकाबले, तो डेफिनेटली बी वाले इंजन की एफिशिएंसी, पावर और एवरेज ज्यादा होगा ए के कंपैरिजन में। अब कंडीशन टू में, ए के इंजन में जब मैंने गियर बॉक्स, डिफरेंसर और स्टेरिंग सारी चीजें फीड करने के बाद कंडीशन ये हुई कि जो ए वाली कार का जो वेट था वो कम था बी के कंपैरिजन में। तो क्या हुआ, इस कंडीशन में ए वाली कार, इंजन की जो कार होगी उसकी एफिशिएंसी, पावर और एवरेज ज्यादा होगा बी के कंपैरिजन में। सो फाइनली दो अलग अलग कंपनीज की दो अलग अलग गाड़ियां, सेम सेगमेंट की, और मान लो दोनों के बीएचपी में ज्यादा अंतर नहीं है और आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि आखिर कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर रहेगी एवरेज के मामले में, तो आप पता लगा सकते हैं उस गाड़ी के वेट से, या फिर जब आप गाड़ी के वेट को बीएचपी से डिवाइड करेंगे तो जिसकी वैल्यू कम निकलेगी वही आपके लिए बेस्ट कार होगी, क्योंकि वही कार देगी आपको मैक्सिमम एवरेज, एफिशिएंसी और पावर। आज की वीडियो में इतना ही है और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो या फिर क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।